जवाहरलाल नेहरू साहब कहा करते थे कि मेरी एक आँख हिंदू की, एक आँख मुस्लिम की, उसी तरह एमएलए साहब भी मुस्लिम का, हिंदू का, सब जाति, सब धर्म का, सबका ख्याल करते हैं। किसी एक आदमी के, क्या किसी एक कौम, एक कबीले के नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलते हैं एमएलए साहब। मैं इस बारे में खाजा लाल से हमेशा बात करते रहता हूँ। खाजा लाल बोलते रहते कि हमारे एमएलए साहब का कहना है कि जैसे नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब कहा करते थे कि मेरी एक आँख हिंदू की, एक आँख मुस्लिम की, उसी तरह एमएलए साहब भी मुस्लिम का, हिंदू का, सब जाति, सब धर्म का, सबका ख्याल करते। और एमएलए साहब का यानी ऐसा नहीं कि एमएलए साहब का यानी काम यानी जीत गए आराम से ये बैठ गए। एमएलए साहब वक्त से पहले यानी इलेक्शन से पहले हमको वादा किए थे, ये उनका शुक्रिया है। आज तक हम 5 साल से उनके लिए हम क्या दुआ कर रहे हैं कि हमसे यानी बोले थे कि साहब मैं आऊँगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको क्या कंपाउंड डाल के दूंगा। 70 साल से कोई कंपाउंड नहीं डाला, एमएलए साहब डाल के बताए। एमएलए साहब हमारे लिए यानी 24 घंटे कभी भी जाओ, हमारी कौम, हमारी मजहब, मिलत, किसी धर्म जाति का कोई यही नहीं, एमएलए साहब सबका ख्याल करते रहते, सबका ख्याल। और एमएलए साहब का यानी जीत गए आराम से बैठ गए, बल्कि नहीं काम करने वाले एमएलए साहब यानी 14 घंटे 15 घंटे जितना भी वक्त मिल रहा है बराबर काम करते रहते हैं, यानी बराबर काम करते रहते हैं। 15 साल पहले नजीर पटेल साहब के पास एमपी एमएलए साहब का जब हमारा वहाँ प्रोग्राम रहा था तो हमारे मरहूम अहमद हुसैन भजन साहब इनके बारे में, एमएलए साहब के बारे में एक अशार कहे थे, अभी तक मेरे जहन में याद है वो अशार। एमएलए साहब के लिए अशार कहे थे, क्या कहे थे, कुछ किए जाओ नामे खुदा लेकर, कुछ किए जाओ नामे खुदा लेकर, कुछ ना करना बड़ी खराबी है, कामयाबी कोई और चीज़ नहीं, काम करना ही कामयाबी है। एमएलए साहब के हमेशा काम काज में कोई भी जा कुछ किसी कोई भी मसला रहा बराबर एमएलए साहब बराबर बैठ के काम करते रहते हैं, ऐसा नहीं। आज के माहौल को देखो, आज के हालात को देखो, आज के क्या टेंशन चल रहा है वो देखो। हम यानी दरिया यानी खतरे खतरे से दरिया बहता, खतरे खतरे से दरिया बहता, एक वोट हमारे लिए कीमती है, एक वोट हमारे लिए कीमती है, यानी एमएलए साहब ही हमारी ताकत है, एमएलए साहब ही हमारी ताकत है। दूसरे स्टेटों में देखो क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या क्या डेवलप करें, कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा है। लोगों के दिमाग में एक भूसा भरा हुआ है, बस लड़ा रहे हैं, बस हुकूमत कर रहे हैं और खुद डेवलप हो रहे हैं, लेकिन आवाम को ना मुस्लिम डेवलप हो रहा है, ना हिंदू डेवलप हो रहा है, ना सिख हो रहा, ना ईसाई हो रहा है। यानी एमएलए साहब के पास जाओ, किसी का भी कोई जात धर्म का कोई भी जाओ, बराबर काम करके भेज रहे हैं एमएलए साहब। एमएलए साहब यानी एक सूरज के एक किरण की तरह है हमारे लिए। इनको शाहपुर से ही नहीं बल्कि इंशाल्लाह इनको आगे हम बेंगलुरु तक पहुंच गए, इंशाल्लाह अगर हम ऐसे ही साथ देते रहेंगे तो इंशाल्लाह अजम मुसम्मम कर लो कि इंशाल्लाह दिल्ली तक भी हम पहुंचा सकते हैं एमएलए साहब को। ये हमारे एमएलए साहब बैठकर खाली बैठने वाले नहीं है, एमएलए साहब मेहनत करने वाले, मेहनत करने वाले ये। और कब एमएलए साहब का सर ऊंचा कब होगा, जब ये कार्यकर्ता साथ देंगे हमेशा। एक एक वोट के लिए आप घरों घरों को जाकर दरवाज़ा पड़ोना, एक एक वोट के लिए हमारा एक एक वोट कीमती है हमारे लिए, एक एक वोट कीमती है हमारे लिए। और पैसों के लिए इधर उधर मत भागो, यानी 4 दिन के पैसे 4 दिन के टुकड़े, ये सोचो हमारा विकार, हमारा एमएलए साहब का हमारे हम पर कितना विकार है, कितना एतमाद है, कितना भरोसा है। अल्लाह हमारा जो भरोसा इनके पास रखा है, इस भरोसे को कामयाब करो। हमारा जो कौम का जो मुकाम जो एमएलए साहब के दिल में है, जो एहतराम, जो इज्जत, विकार है, उस विकार को ठेस ना पहुँचाओ। जो विकार है, जो इज्जत है इनके पास, उसको खराब मत करो। और एमएलए साहब क्या है, एक हमारे लिए हमेशा के लिए एक सूरज की किरण है हमारे लिए। और अगर आपस में ना इत्तेफाकी करेंगे, ना इत्तेहादी करेंगे, मुंतशिर हो तो लड़ो, यानी मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों।